हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं आर्किटेक न्यूज़। स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। तो वो वक्त आ गया है जिसका आप सबको इंतज़ार था। नोकिया फाइनली कुछ अच्छा करने जा रहा है। 3.2, 4.2, 2.2 ये सब ऐसे फ़ोन्स थे जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि नोकिया या फ़ोन बनाना भूल गया है या उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मतलब इतने महंगे ये फ़ोन थे और इन फ़ोन्स में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब ऐसा फ़ोन आ रहा है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका नाम होने वाला है नोकिया 7.2। ये होगा 6 सितंबर को लॉन्च आईफा में, जो कि इनका अपना 6 सितंबर को होगा। और उसमें जो है, इस इवेंट में जो है ये लॉन्च होगा। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही कमाल है। आप देख सकते होंगे पिक्चर बहुत ही प्यारा लगता है। पीछे की तरफ जो है वो गोल शेप का कैमरा है, गोल शेप का जो है वो लेआउट है। उसमें तीन कैमरे लगे हुए हैं जो कि देखने में बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, न्यू डिज़ाइन लगता है। और तीन कैमरे में से मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सेकेंडरी लेंस जो है वो 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा। और जो थर्ड लेंस है वो वाइड एंगल मोड होगा 8 मेगापिक्सल का। तो बहुत ही ज़्यादा बंच ऑफ जो है वो कैमरा के साथ आएगा। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होगा। फ्रंट पे जो है वो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी एक्सपेक्ट की जा रही है। और जो फ्रंट डिस्प्ले है वो 6.2 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले होगा। अब ये मेंशन नहीं है कि ये IPS LCD है या सुपर एमुलेट है, लेकिन सुपर एमुलेट हो तो क्या बात हो। खैर, हैंड ऑन पिक्चर भी आपके सामने आ रही होंगी कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। ऐसा लग रहा है रिफ्रेशिंग लुक है और ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ही कोई कमाल का फ़ोन होने वाला है, लुकिंग वाइज भी और कैमरा वाइज भी। लेकिन वॉट अबाउट प्रोसेसर, मतलब मेन चीज़ मोबाइल की होता है प्रोसेसर। अगर आपके मोबाइल में प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो अब कैमरा भी सही से काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 710, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसका जो है गीक बेंच में लिस्ट भी हो गया था। ये इसके स्कोर देखकर ऐसा लग रहा है कि स्नैपड्रैगन 710 होगा, और जो कि एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। न्यू जो है स्नैपड्रैगन 730 है। लेकिन अगर ये आता है प्राइसिंग में कुछ नोकिया है तो हमें थोड़ी ज़्यादा प्राइसिंग सोचनी पड़ेगी। जैसे कि अगर ये 17-18,000 में आता है इंडिया में, और पाकिस्तान में ये आता है ऑलमोस्ट 45,000 तक में, तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो चॉइस होगी। जो है अगर मैं इसी प्राइसिंग पे आया तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। इसमें 3500 mAh की बैटरी होगी, USB टाइप सी होगा, फास्ट चार्जिंग होगी। बैक पे गिलास होगा, फ्रंट पे गिलास होगा, और जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम का होगा, जो कि नोकिया की हमेशा से बिल्ड क्वालिटी का नोकिया ने वादा किया है वो आपको देता है। और यहाँ पर आपको कैमरा भी अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 1 की डिवाइस मिलेगी, जो कि प्योर और अपडेट जो है वो नोकिया हमेशा से एंड्रॉयड 1 जो है उसको प्रायोरिटी देता है और अपनी कोई भी स्किन नहीं डालता। जैसे कि बाकी जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हैं वो अपनी स्किन ले आए हैं, उनकी जो है वो एक स्किन है। जैसे कि EMUI है हवावे में, ColorOS है ओप्पो में, तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो तीन चीज़ें मुझे इस फ़ोन की सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही हैं। एक तो इसका डिज़ाइन, तीसरा इसके कैमरे, फोर्थ इसकी जो है परफॉर्मेंस। ये अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो ये बहुत ही ऑसम सेट होने वाला है। और नोकिया है तो बिल्ड क्वालिटी और एंड्रॉयड की तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है इस फ़ोन के बारे में नीचे कमेंट करें, और किस प्राइस पर आएगा तो आप लोग लेंगे ये फ़ोन ज़रूर बताइएगा मुझे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।